सुपौल में आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। कहते हैं नारी शक्ति का रूप होता है, और जब नारी अपने अधिकार के लिए सड़क पर उतरती है तो सियासतदानों की कुर्सी हिलने लगती है। आज एक बार फिर सुपौल की सड़कों पर सैकड़ों आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने सड़क पर उतरकर सरकार के विरुद्ध में बिगुल फूंक दिया है। इस विरोध प्रदर्शन को देख के यही लगता है कि यदि इनकी मांग को सम्मानजनक तरीके से सरकार नहीं लेती है तो आगे आने वाले चुनाव में सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल पिछले 5 दिसंबर से सूबे के आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं का लगातार अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल जारी है। इनकी मांग है कि अन्य राज्यों की भांति बिहार के सेविका सहायिकाओं को भी वेतनमान मिले, सरकारी कर्मी का दर्जा मिले, लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं रेंगती। लिहाजा आंदोलन के इस कड़ी में सुपौल के सेविका सहायिकाओं ने अपनी मांगों के समर्थन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित समाज कल्याण मंत्री कृष्णानंद वर्मा का पुतला दहन किया गया। प्रदर्शन कर रहे सेविका और सहायिकाओं ने कहा है कि जब तक हमारी 15 सूत्री मांगे पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे और हड़ताल पर डटे रहेंगे। इसी तरह से हाल होगा और उनके राज में सभी काम को बाधा दिया जाएगा, चाहे जो भी हो जाए। अब सेविका अपने पीछे हटने वाली नहीं। नमस्कार, मैं शैलेंद्र कुमार, प्रखंड जज अध्यक्ष पुरेनी। वर्ष 2019 आने वाले नव वर्ष के शुभ अवसर पर मैं तमाम प्रखंड वासियों को ढेर ढेर शुभकामनाएं देता हूँ। शैली का जीवन मंगलमय सुखमय हो, और आने वाले 2019 में मैं कामना करता हूं कि हमारे सभी प्रखंड के पंचायत का विकास का गति काफी तेजी से बढ़े और सभी का जीवन मंगलमय हो। इसी के साथ मैं सभी को शुभकामनाएं अपनी पार्टी की ओर से देता हूं।